Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार साथियों, हम लोग आधुनिक भारत के संदर्भ में इतिहास लेखन के बदलती प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज़ में, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दक्षिण भारत में जातिवाद विरोधी आंदोलन के तरफ अपना रुख करेंगे। खासकर हमारा ध्यान एकाग्र रूप से ईवी रामस्वामी नायकर पेरियार के ऊपर केंद्रित होगा, उनके विचारों उनकी गतिविधियों के ऊपर केंद्रित होगा। और यदि आप इस लेक्चर को आज के इस लेक्चर को पिछले चंद लेक्चर्स की सीरीज़ में देखें तो आप अनुभव करेंगे कि हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में जाति प्रथा के स्वरूप में जो बदलाव आए औपनिवेशिक काल में, और उन बदलावों के पीछे जो मुख्य कारक शक्तियाँ रहीं, इस इतिहास में जिनके हस्तक्षेप मानीखेज रहे, दूरगामी हुए, ऐसे विचारों, ऐसे हस्तक्षेपों, ऐसे कारकों का अध्ययन करते आ रहे हैं। और इसी की अगली कड़ी है आज का यह लेक्चर। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए, न तो राष्ट्र की अवधारणा, न ही समाज और न ही इतिहास कोई जरबत संकल्पनाएं हैं, ये परिवर्तनशील इकाई हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ एक वचनीयता भी नहीं है। ये सभी, चाहे वे इतिहास की बात हो या फिर समाज की बात हो, राजनीति की बात हो, इन सभी के कई अर्थ होते हैं, कोई एक अर्थ नहीं होता। राष्ट्र की बात भी करें तो अलग अलग विचारकों ने अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में राष्ट्र की विविध अवधारणाओं को हमारे सामने रखा है, और इसी के साथ राष्ट्रीय इतिहास की विविधता भी हमारे सामने खुलती चली जाती है। समाज संश्लिष्ट इकाई के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके अवयव आपस में, उनके कारक, उनके संबंध, आपसी संबंध, सभी कुछ परिवर्तनशील रूप में हमारे सामने आते हैं। और यह इसलिए ज़रूरी है कि बहुत अरसे तक, खासकर प्राच्यवादियों के द्वारा और अंग्रेजी जो स्टीरियोटाइप्स बने, उसमें भी भारतीय समाज एक जरूरत इकाई के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। तो इतिहास के शोधार्थी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो समय के साथ परिवर्तन की बात है, उस परिवर्तन को समझें, उसको व्याख्यायित करने का प्रयास करें। और इसी क्रम में समाज या राष्ट्र की जो परिवर्तनशील अवधारणाएं हैं, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।
कई बार ऐसे जो परिवर्तनशील इकाई होती हैं उनकी व्याख्या विवादित होती है और हम एक पक्ष या दूसरे पक्ष के साथ अपने को खड़ा हुआ पाते हैं। इतिहास के अध्ययन में इससे भी बचना चाहिए और इतिहास लेखन की जब बदलती प्रवृत्तियों की बात करें तो हमें हर पक्ष के तरफ गौर करना होगा, उनका सम्यक आकलन हो इसकी कोशिश करनी होगी। और इस उद्देश्य से भी जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध से और 20वीं सदी के पहले चरण में फर्स्ट हाफ में जिस तरह से बहुत आमूल परिवर्तन समाज में हो रहे थे, सामाजिक संरचनाओं को लेकर जो जद्दोजहद हो रही थी, जाति प्रथा को लेकर जो बहस हो रही थी, जो नए किस्म के सामाजिक पहचान की राजनीति आकार ले रही थी, वह सब इतिहास के लिए अत्यंत मानी खेज है। और इसी कारण से हमने पहले सेंसस की बात की, हमने ज्योतिबा फुले के हस्तक्षेप की बात की, महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर की बात की, साथ ही हमने बहुत संक्षेप में ही तटीय आंध्रा या फिर हैदराबाद, निजामशाही के हैदराबाद या कर्नाटक आदि में 1900 से लेकर 1930 के बीच जो हस्तक्षेप हो रहे थे उनका जिक्र भर किया, उनके बारे में विस्तार से हमने चर्चा नहीं की क्योंकि शायद समय इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो हम लोगों ने चंद जो महत्वपूर्ण आयाम रहे उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और इस सिलसिले में मद्रास प्रेसिडेंसी में खासकर जिसे अब केरल कहते हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा था और जो हस्तक्षेप थे खासकर ईबी रामास्वामी पेरियार जिन्हें कहा जाता है उनके हस्तक्षेप को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ईवे रामस्वामी पेरियार का जन्म 1879 में हुआ और 1973 में उनकी मृत्यु। आप सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविड़ कजगम के नायक सूत्रधार रहे। इनका जन्म कन्नड़ बालिज परिवार में इरोडे में हुआ जो मद्रास प्रेसिडेंसी के उस समय कोयम्बटूर का हिस्सा था। हम लोग इनके बायोग्राफी की तरफ अधिक ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आगे विश्लेषणात्मक हमारा रवैया है जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया। लेकिन 1904 में जब इन्होंने काशी की यात्रा की तो उस काशी की यात्रा और वहाँ के अनुभव ने इनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, खासकर जिस तरह से काशी में उन्होंने पंडितों पुरोहितों का जो अवलोकन किया, उनके व्यवहार का,
उसने पेरियार के मन पर दूरगामी प्रभाव डाला, इसलिए उनकी काशी की यात्रा का जिक्र करना जरूरी मैं समझता हूँ। शुरुआती दिनों में वे कांग्रेस के सदस्य रहे, 1919 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के कॉल पर वे अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद में शामिल हुए और 1925 तक वे कांग्रेस के हिस्सा रहे, लेकिन 1925 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे, कांग्रेस से मोहभंग के पीछे प्रांतीय स्तर पर तमिल कांग्रेस के नेतृत्व से उनका असंतोष और उन्हें लगा कि यह प्रांतीय नेतृत्व प्रगतिशील नहीं है, अपने रवैये में कंजर्वेटिव है, और उन्होंने कांग्रेस से 1925 में इस्तीफा दे दिया। 1924-25 में से शुरू जो दौर मंदिर प्रवेश आंदोलनों का रहा, उसमें 1925 में वायुकम टेंपल एंट्री मंदिर प्रवेश में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और जिसके कारण उन्हें वायुकम वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ उन्होंने श्रेमा देवी गुरुकुलम में छात्रों के भोजन के समय अलग अलग बैठने की जो व्यवस्था थी, जहां ब्राह्मणों को गैर ब्राह्मणों के साथ, अनटचेबल्स के साथ नहीं बैठाया जाता था, तो इस भोजन की राजनीति के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। इस अलग खाने की व्यवस्था को लेकर संघर्ष किया। साथ ही 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में वे गैर ब्राह्मणों के लिए सरकारी पदों की नियुक्ति हेतु या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में उनके इलेक्शन हेतु उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, हर जाति का प्रतिनिधित्व हो, इस बात को लेकर वे संघर्षरत थे, इसकी वकालत वे कर रहे थे। और यदि आप हमारे पिछले लेक्चर को याद करें तो ये ऐसे मुद्दे हैं जहां हमें पेरियार और अंबेडकर एक ही धरातल पर खड़े नजर आते हैं। अंबेडकर की ही तुलना की ही तरह, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे कि भिन्नता लिए हुए भी, पेरियार के विचारों में नागरिकता का प्रश्न बहुत अहम था। यह संभवतः उनके हर एक आलोचना के केंद्र में था, या फिर दूसरी तरह से कहें तो पेरियार के विचारों को नागरिकता के नज़रिए से हम देखें, व्याख्यायित करें तो अनेक अंतर्दृष्टियां हम प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए
स्वतंत्र और समानता आधारित नागरिकता का मुद्दा सर्वोपरि था और यह वह मुद्दा था जो इनके तमिलनाडु कांग्रेस समिति से असहमति का भी कारण बना। इनका मानना था कि यदि राष्ट्र को और समाज को तरक्की करना है, विकास करना है, तो इसके हर घटक, हर अवयव को समान नागरिकता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 1920 के, मैंने कहा कि शुरुआती दशकों में ये महात्मा गांधी के साथ खड़े हमें मिलते हैं। असहयोग आंदोलन के समय, मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर भी, लेकिन 1920 के दशक के उत्तरार्ध में एक शार्प डिफरेंस हम पाते हैं। महात्मा गांधी और कांग्रेस को लेकर एक क्षोभ, बहुत तीखा क्षोभ पेरियार के दृष्टि में पाते हैं, इनके विचारों में पाते हैं। और खासकर जब महात्मा गांधी ने वर्णाश्रम धर्म के संरक्षण की बात कही, अनटचेबिलिटी के खात्मे को वर्णाश्रम धर्म के अंदरूनी समस्या माना, तो उस वर्णाश्रम धर्म की वकालत के खिलाफ इन्होंने महात्मा गांधी का विरोध, कांग्रेस का विरोध और ईश्वर का विरोध, ये तीनों विरोध पेरियार के विचारों को एक अलग स्तर पर खड़ा करते हैं, जिसे जानने के लिए एक इतिहास के शोधार्थी के नाते जरूरी हो जाता है। वह विशिष्टता क्या थी? तो एक तो धर्म से मोह भंग, इसीलिए ईश्वर के खिलाफ प्रतिरोध। और धर्म से मोह भंग में फिर से मैं याद दिलाऊं कि बाबा साहब अंबेडकर के लेखनी में, उनके विचारों में भी हम पाते हैं, दोनों ही जगह जो धार्मिक सांस्कृतिक विरासत है उसका पुरजोर विरोध हमें देखने को मिलता है। दोनों ही जगह रैशनलिस्ट और घोर तर्कवाद से रूबरू हम अपने को पाते हैं। और इन तीन, महात्मा गांधी से विरोध, कांग्रेस से विरोध और ईश्वर से विरोध और ब्राह्मणों के खिलाफ संघर्ष, ये चार एक्सिस रहे जिसके इर्द गिर्द पेरियार ने 1926 में सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन कह सकते हैं, और फिर 1944 में द्रविड़ कजगम की स्थापना की। जैसा कि मैंने कहा कि नागरिकता का मसला अहम था, समान नागरिकता का मसला, और यहाँ सबसे अहम वंचितों, उपेक्षितों, समाज में के सबसे निचले तबके पर स्थित गैर ब्राह्मण और अनटचेबल्स की नागरिकता का प्रश्न अहम रूप में इनके लिए था।
और इस अहमियत के कारण इनका मानना था कि यदि हम हर उस वंचित को समान नागरिकता से के अधिकार नहीं देते हैं तो स्वराज की बात करना अर्थहीन होगा। इन वंचितों के नागरिकता और उनकी समानता के बगैर स्वराज का अर्थ चंद स्थानीय अभिजातियों की का शासन, उनका प्रभुत्व, उनका हेगेमनी होगा। इसलिए स्वराज और मुकम्मल नागरिकता का सवाल दोनों साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन यहाँ दिलचस्प यह है कि जो ये स्थानीय अभिजाति की बात करते हैं या फिर राष्ट्रीय अभिजाति नेशनल इलिट्स की भी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इसका कोई एक रूप नहीं होता, कोई एक आकार नहीं है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग पृष्ठभूमियों में यह अलग अलग स्वरूप ग्रहण करता है। कहीं तो यह ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण के रूप में हमारे सामने आता है, तो दूसरे परिस्थितियों में यह मारवाड़ी बनाम तमिल के रूप में या फिर पुरुष बनाम स्त्री के रूप में इसके घटक बदलते रहते हैं, इसके अवयव परिवर्तनशील हैं और इन परिवर्तनशील इकाइयों को जहां किसका प्रभुत्व है और कौन दमित हो रहा है इसे पहचानना होगा, इसकी निशानदेही करनी होगी। यदि हम मुकम्मल नागरिकता को अचीव करना चाहते हैं और फिर ये बताते हैं कि स्त्री का प्रश्न, उनके शोषण का प्रश्न बहुत अहम है पेरियार के विचारों में। वे कहते हैं कि जब तक स्त्रियों और अस्पृश्यों का शोषण बंद नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता और स्वराज खोखला अर्थहीन है। लेकिन यहाँ अन्य किसी भी विचारक की तुलना में एक कदम आगे जाकर पेरियार विवाह की सामाजिक संस्था और पति पत्नी के बीच के संबंध को भी शोषणात्मक नज़रिए से देखते हैं। उनके लिए पति और पत्नी मालिक और दास की तरह विवाह के कारण वे मानते हैं कि महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई और उनका शोषण हुआ। तो इस तरह से शादी की आलोचना को वे मुखर रूप देते हैं। लेकिन राजनीतिक बृहत्तर फलक की जब हम बात करें तो क्या पेरियार ब्रिटिश उपनिवेशवाद, अंग्रेजी शासन को उसी तरह से देख रहे थे जिस तरह से महात्मा गांधी या दूसरे राष्ट्रवादी
नेता देख रहे थे, यहां भी हमें फर्क मिलेगा। ब्रिटिश राज के प्रति पेरियार का नजरिया कोई एकांगी नजरिया नहीं था। वे श्वेत श्याम में, ब्लैक एंड व्हाइट में ब्रिटिश राज को नहीं देख रहे थे, उसका आकलन नहीं कर रहे थे। उनका मत था कि यद्यपि हमने अंग्रेजों की गुलामी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन हमने अंग्रेजों से सीखा है कि स्वयं को मानव के रूप में कैसे देखें। यह जो स्वयं के प्रति सम्मान की भावना, यह भावना, इसका श्रेय वे अंग्रेजी शासन को देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनका अंग्रेजी साम्राज्यवाद के का आकलन एकांगी नहीं था, तो उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अंग्रेज जिस तरह से अपने देश में शासन करते हैं, जिन राजनीतिक मूल्यों के साथ वे अपने देश में नीतियों का निर्धारण करते हैं, उसी तरह से अंग्रेज उपनिवेश भारत में शासन नहीं करते हैं, उनकी नीतियां वही नहीं रहती हैं, और इसलिए जहां अंग्रेज अपने देश में उनकी अपनी देश के प्रति जो नीतियां हैं, वहां हमें मानव धर्म, जिसे उन्होंने मनीता कहा, मनीता धर्म सम्मत नीतियां वहां हम देखते हैं, वह मनीता उस मानवीय संवेदना का वह अवयव उपनिवेश में अनुपस्थित मिलता है। यह दिलचस्प है कि वे अंग्रेजी शासन के ही अवयवों को ब्रिटेन में मदर कंट्री और कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में फर्क दिखा रहे हैं, और वे मानते हैं कि भारतीय संदर्भों में यह जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो धर्म सम्मत नीति, वह इसलिए अनुपस्थित मिलती है क्योंकि यहाँ अंग्रेज सरकार राष्ट्रीय अभिजातियों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और राष्ट्रीय नेशनल एलिट्स, ये जो राष्ट्रीय अभिजातियों के दबाव के कारण, उनको खुश रखने के कारण इन्होंने, अंग्रेजों ने मनीता धर्म सम्मत नीति का मार्ग उपनिवेश में छोड़ दिया। तो ये जो अंग्रेजी साम्राज्य का दोहरा चरित्र और उस दोहरेपन के पीछे राष्ट्रीय अभिजातियों के साथ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के कोलैबोरेशन की बात है, यह एक दिलचस्प पक्ष हमारे सामने उजागर करता है। यह जो एक तरह से इंटरडिपेंडेंस की बात है, जहां एक तरफ अंग्रेज अपने मूल नीतियों से समझौता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय अभिजात्य हैं, वह इस कोलैबोरेशन से अपने वर्चस्व को कायम रखने में कामयाब रहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह जो अभिजाति की कोई एक ठहरी हुई परिकल्पना पेरियार के विचारों में नहीं मिलती है,
तो यह अभिजात्य ब्राह्मण हो जाता है, यह अभिजात्य समाज के प्रभुत्व वाले अवयव हो जाते हैं। और यदि आप यहाँ गौर फरमाएं, याद करें, तो ज्योतिबा फुले के बाद से ही जब शिक्षा पर अधिकाधिक गैर ब्राह्मण विचार चिंतकों ने जोर देना शुरू किया, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि उनका मानना था कि अंग्रेजी राज के बाद, अंग्रेजी शिक्षा के आने के बाद, जो समाज के पहले से प्रभुत्वशील इकाइयां रही, जिसे वे अक्सर ब्राह्मण की छवि के रूप में देख रहे थे, उनका दबदबा बढ़ा ही, उनका प्रभुत्व बढ़ा ही। और इस कारण से भी इस प्रभुत्व के प्रतिरोध के लिए ये दलित चिंतक विचारक शिक्षा की अहमियत पर बारंबार जोर दे रहे थे। तो यही सिलसिला, विचारों का यह तार यहाँ भी हम पाते हैं पेरियार के यहाँ, जहाँ वे अंग्रेजी साम्राज्य और राष्ट्रीय अभिजात्य के बीच के कोलैबोरेशन की बात करते हैं, एक दूसरे के प्रभुता के रक्षण के लिए। और इसी अभिजात्य, इसी कोलैबोरेशन, इसी प्रभुत्व को बचाए रखने की जद्दोजहद को वे दोषी मानते हैं अनेक प्रगतिशील कानूनों के विरोध के लिए, जैसे देवदासी प्रथा की समाप्ति के प्रस्ताव का विरोध, या फिर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, या हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट। इन सभी को वे प्रगतिशील हस्तक्षेप मानते थे, इनकी वकालत करते थे, और उनका मानना था कि यही राष्ट्रीय या स्थानीय अभिजात्य इन सभी प्रस्तावों, इन प्रगतिशील प्रस्तावों का विरोध करता है। इसके पीछे की विरोधी शक्तियां यही राष्ट्रीय या स्थानीय अभिजातियों की है। और इस तरह से औपनिवेशिक और राष्ट्रीय अभिजात्य पेरियार के विचारों में दोनों ही मनु धर्म के संरक्षक के रूप में सामने आते हैं, न कि मनिता धर्म के, जिसे उन्होंने मानव धर्म, ऑल इंक्लूसिव इगैलिटेरियन जो फिलॉसफी होना चाहिए नीति का, उसका वह अनुपस्थित रह जाता है औपनिवेशिक परिस्थितियों में। तो ये जब असमानता की बात है, स्त्रियों के शोषण की बात है, या अस्पृश्यों के दयनीय अवस्था की बात है, इसके कारणों को वे किस तरह से देखते हैं,
और यहाँ हम पाते हैं कि वर्तमान और अतीत दोनों पेरियार के विचारों में एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। अतीत वर्तमान से असंपृक्त नहीं है, अर्थात वर्तमान की समस्याओं, सामाजिक असमानताओं की जड़ वे अतीत में पाते हैं। और इस तरह से अतीत की एक नवीन व्याख्या हमारे सामने आती है। इतिहास को नए तरीके से खंगाला जा रहा है, एक तरह से कहें तो। और यहां आर्य द्रविड़ संघर्ष के तौर पर हम इतिहास को देखते हैं। उनका मत था कि जिन्हें अतीत में सताया गया, जैसे आर्यों के द्वारा द्रविड़ को, वे ही कालक्रम में हाशिए पर धकेल दिए गए। यही अवयव समय के साथ समाज का वह हिस्सा बना जो अस्पृश्यता के स्याह अंधेरे में कैद किया गया। और यह अतीत इसलिए भी इसकी पुनर्व्याख्या जरूरी है, ऐसा वे मानते थे, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा इस आर्य अतीत को का महिमा मंडन किया गया, इसको गौरवान्वित किया गया। तो जो अतीत का नैरेटिव, जो अंडरस्टैंडिंग हमें परोसा गया, पेरियार का ऐसा मत था कि वह एक पक्षीय और ब्राह्मणवादी नजरिया था, जहां विजित आर्य के नजरिए से अतीत और समाज की व्याख्या की जा रही थी और उसी को सामाजिक पायदान, सोशल हायरार्की, इनइक्वालिटी के रूप में अनुवाद किया गया। यह इसलिए भी कि उनका मानना था कि ब्राह्मण उसी विजेता आर्य के वंशज थे, जिसने पराजितों को अनटचेबिलिटी में धकेल दिया था। और यहां लेकिन हमें अन्य जो चिंतक हैं, चाहे वे फुले और अंबेडकर, उनसे तारतम्य भी मिलता है, लेकिन कुछ अलहदा भी है यहाँ। वह इस तरह से कि पेरियार कहते हैं कि जिन्हें हिंसा से जीता न जा सका, उन्हें वर्णाश्रम धर्म ने, ब्राह्मणों ने आत्मसात कर लिया। और इसमें दो अवयवों की तरफ वे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे बुद्धिज्म का इतिहास,
और वे बताते हैं कि बौद्ध परंपरा, बौद्ध धर्म को वैदिक धर्म ने अपने में आत्मसात कर लिया समय के साथ, जिससे उसका प्रभाव छीन होता गया। दूसरी तरफ वे बताते हैं कि जिन विरोधियों को समाज के निचले तबके से आने वाले उन विरोधियों को, जिन्हें वे जीत न सके, उन्हें वर्णाश्रम धर्म ने क्षत्रिय के रूप में मान्यता देकर आत्मसात कर लिया अपने फोल्ड में। तो देखिए, ये दिलचस्प लग सकता है कि फूले भी गैर ब्राह्मणों के बीच क्षत्रिय स्टेटस की बात करते हैं, क्षत्रिय लीनियज की बात करते हैं, और पेरियार भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि यहाँ अतीत और वर्तमान के बीच एक नियमितता मिलती है। वर्तमान की समस्याओं की जड़ें अतीत में पेरियार देख रहे हैं, लेकिन यहाँ फुले और अंबेडकर की तुलना में एक और विरोध का रूपक हमें मिलता है, वह उत्तर के आर्य और दक्षिण के द्रविड़ का विरोधाभास। उत्तर के आर्य अर्थात विजेता और दक्षिण के द्रविड़ अर्थात शोषित, पराजित। लेकिन यह जो द्रविड़म की संकल्पना है, 1944 में 43 में वे बताते हैं कि यह भी कोई भौगोलिक रूप से असंपिक्त संकल्पना नहीं है। दरअसल जब वे द्रविड़ की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपने शब्दों में भी कहा कि उत्तर के भी वे तमाम शोषित सामाजिक इकाई, सामाजिक अवयव, चाहे वे बिहार के हों, बंगाल के हों, पंजाब के हों, जो शोषित है, दमित है, वह द्रविड़म का हिस्सा है। तो एक तरह से यहाँ हम पाते हैं कि एक ओर तो वे भौगोलिक आधार पर बंटवारे की बात कर रहे हैं उत्तर के आर्य और दक्षिण के द्रविड़म की, लेकिन दूसरी तरफ एक क्रॉस ज्योग्राफिकल डिवाइड, एक तरह के ऑप्रेस्ड के बीच की यूनिटी, इंक्लूसिवनेस, उनके कॉमन अनुभवों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। तो एक व्यापक पैन इंडियन अलायंस उनके संकल्पना, द्रविड़ की संकल्पना का हिस्सा रहा। जब ये उत्तर और दक्षिण के डिवाइड की बात करते हैं तो बताते हैं कि जाति प्रथा
या विवाह प्रथा दोनों ही तमिल अतीत का अंग नहीं थे। यह दोनों अहम सामाजिक संस्था दरअसल उत्तर के विजित आर्यों द्वारा दक्षिण के समाज पर आरोपित किया गया, जिसे बाद में इंटरनलाइज कर लिया गया। इस तरह से जब हम पेरियार के विचारों में उत्तर और दक्षिण का विभाजन पाते हैं, तो क्या हम मान लें कि यहाँ तमिल अतीत का एक पक्षीय महिमामंडन किया जा रहा है और जो दूसरा पक्ष आर्य अतीत उसका होलसम कंडेमनेशन है? ऐसी बात भी नहीं। उनका जो आलोचनात्मक तीखा रवैया जिस तरह से आर्य या ब्राह्मण वादी इतिहास की संकल्पना के प्रति रहा, वैसा ही तीखा रवैया, वही आलोचनात्मक दृष्टि उनकी तमिल अतीत को लेकर भी रही। जब 1940 के दशक में अनेक दक्षिण के नेता विचारक तमिल अतीत में सभी समस्याओं का समाधान पा रहे थे, उसे एक गोल्डन एज की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसकी उन्होंने तीखी आलोचना की और उन्होंने कहा कि अतीत किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने तमिल साहित्य की भी आलोचना की, खासकर स्त्रियों की जिस अवस्थाओं का, जिस स्थितियों का तमिल साहित्य में वर्णन मिलता है, उसकी उन्होंने तीखी आलोचना की। लेकिन साथ साथ 1939 में जब हिंदी के आरोपण का वे विरोध कर रहे थे, तो हिंदी के विरोध के साथ साथ उन्होंने तमिल की भी आलोचना, तमिल भाषा की भी आलोचना की और उन्होंने कहा कि हिंदी ही की तरह तमिल भाषा भी रैशनलिस्ट थिंकिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। और इस तर्कवाद की जमीन पर खड़े होकर उन्होंने अपनी ही भाषाई थाती की तीखी आलोचना की। अर्थात एक पक्ष की आलोचना का सीधा अर्थ उनके लिए दूसरे पक्ष का महिमामंडन नहीं था। और जैसा मैंने पहले कहा कि उनका रवैया था कि अतीत में जाना, अतीत का महिमामंडन वर्तमान की समस्या का समाधान नहीं है। और यहां एक नया आयाम हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है पेरियार का, और वो है भविष्योन्मुखी उनका नजरिया।
भविष्य की संभावनाओं के प्रति उनका आशावादी दृष्टिकोण, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ तो वे अतीत और वर्तमान को गहरे एक दूसरे से जोड़ते हैं और वर्तमान की समस्याओं की जड़ें तलाशते हुए अतीत में जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अतीत के महिमामंडन में वर्तमान की समस्याओं का समाधान भी नहीं पाते। तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि वे निराशावादी दृष्टिकोण के थे, इसके ठीक विपरीत। यहां हम पेरियार को भविष्योन्मुखी पाते हैं और उनके लिए चाहे वह नागरिकता का प्रश्न हो या स्त्री पुरुष की समानता का प्रश्न हो या अनटचेबिलिटी को रिजॉल्व करने का सवाल हो, यह सभी भविष्य की संभावनाओं में दिखता है। तो ये जो आगे आने वाले समय को एक तरह से एंटिसिपेट करने की बात है, उसके पॉजिटिव, उसको ऑप्टिमिस्ट तरीके से, आशावादी नजरिए से देखने की बात है। इस कारण हम पेरियार में पाते हैं कि परिवर्तनशील अवयव अवश्यंभावी होता है, परिवर्तन ही एकमात्र प्रकृति का नियम है। और वे बताते हैं कि इतिहास साक्षी है, यहाँ भी वे इतिहास से शिक्षा लेते हैं, दृष्टि लेते हैं और कहते हैं कि इतिहास साक्षी है कि जो कभी राजा था, जो कभी शासक हुआ करता था, वह अब सरकार के तनख्वाह के भरोसे दिखता है। यहाँ दूसरी तरह से देखें तो इतिहास का जो एक लोकतांत्रिक पक्ष है, जो इगैलिटेरियन ट्रेजेक्ट्रीज हैं, उसकी तरफ वे इशारा कर रहे हैं और इस ट्रेजेक्ट्री से, इस परिवर्तन गामी समय से वे अपने समर्थकों का उत्साहवर्धन, उनको आशा का संदेश दे रहे हैं। लेकिन साथ ही वे चेतावनी भी देते हैं कि इतिहास अपने आप में परिवर्तन नहीं लाता है। यदि आप चुपचाप बैठे रहें तो कोई दूसरा आपके लिए संघर्ष नहीं करेगा। आत्मसम्मान की लड़ाई, अपनी स्थिति को असमानता से समानता की ओर ले जाने की लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। यदि अनटचेबल्स या वंचित या स्त्री वर्णाश्रम धर्म के भरोसे, ब्राह्मणों के भरोसे या पुरुषों के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ने जाएंगे तो निश्चित ही
उन्हें निराशा हाथ लगेगी। तो इस तरह से अपनी आवाज स्त्रियों को पुरुषों के खिलाफ, वंचितों को सबल के खिलाफ और अनटचेबल्स को समाज के प्रभुत्वशील अभिजातियों के खिलाफ खुद ही लड़नी होगी। यदि हम सार संक्षेप के रूप में पेरियार की बातों को देखें तो यहाँ एक तरफ तो नागरिकता का प्रश्न बहुत शार्पली उभर कर आता है, दूसरी तरफ अतीत और वर्तमान का रिश्ता, अतीत की पुनर्व्याख्या, तीसरी तरफ आत्मसम्मान और इसके लिए स्वयं को मुखर करने की, अपनी लड़ाई खुद लड़ने की बात, और इस सब के पीछे कहीं न कहीं घोर तर्कवाद और एक ऐसी रैशनैलिटी है जो ऑल इंक्लूसिव है, जहां जो समावेशी है स्वरूप में और जहां मानव मूल्यों की गहरी वकालत की जा रही है। ऐसे मूल्य जो समाज में समानता और सभी के अधिकारों की रक्षा कर सके। यहाँ मैं आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ, लेकिन चाहे वे पेरियार की बात हो या फिर फूले और अंबेडकर की बात हो, इन सभी तारों पर हम बार बार लौटते रहेंगे, इसलिए भी कि पिछला 50-100 साल की राजनीति और समाज इन विचारों से गहरे तौर पर प्रभावित रहा है। शुक्रिया।